में आज सुबह एक बेकाबू कार अनियंत्रित होकर एक चाय दुकान में घुस गई, जिससे चाय पी रहे दर्जन भर लोग घायल हो गए। वहीं एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। घटना आरा पटना हाईवे पर टाउन थाना क्षेत्र के अहिरपुरवा की है। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार दो युवकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई करते हुए टाउन थाने के हवाले कर दिया। आनन फानन में लोग सभी घायलों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक का नाम लक्ष्मण शाह बताया जा रहा है, जो फेरी का काम करता था। वहीं इस घटना में 6 गंभीर रूप से घायलों में से 2 को डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया, बाकी घायलों का आरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि आज सुबह अहिरपुरवा गौरे स्थान के पास एक चाय दुकान में लोग चाय पी रहे थे, तभी अचानक एक बेकाबू कार दुकान में घुस गए, जिससे चाय पी रहे सभी लोग घायल हो गए। सभी घायल अहिरपुरवा मोहल्ले के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आरा पटना NH को अहिरपुरवा के पास जाम कर दिया। घटना से गुस्साए लोग मृतक और घायलों के परिजनों को मुआवजे देने की मांग कर रहे थे। NH पर जाम कर के कारण दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने लोगों को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन लोग जाम हटाने को तैयार नहीं हुए। परमिशन मिला, हम लोग यहाँ पहुँच गए और मैं प्रभारी उपाधीक्षक के प्रभार में था और एक व्यक्ति ब्रॉड डेड आया और 2-3 ऐसे मरीज थे जिनकी स्थिति गंभीर थी, उनको प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद 2 व्यक्तियों को पटना रेफर किया जा रहा है, बाकी की स्थिति गंभीर होते हुए यहाँ टेक केयर अच्छे से उसके इलाज हो गए हैं, उनको भी भर्ती करके आगे का इलाज जारी। कितने लोग घायल हैं सर? अभी तक 9 लोग हैं, 2-3 लोग को बहुत मामूली से चोट था जी, तो लगभग 10-12 लोग। सर कुछ खबर आ रही है, किस एक का मृत्यु का खबर आ रही है सर? हाँ, एक मरीज अभी हमारे पास जो आए हैं एक्सीडेंट के केस में ब्रॉड डेड है, तो उनकी मृत्यु तो हो चुकी है। ठीक है।